नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्युत अनुभव और मैं हूं तन्मय तेलंग। दोस्तों, आज का दिन तो वैसे बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आज 17 सितंबर है और आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती भी होती है, इसलिए आज का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। श्री विश्वकर्मा जी अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग के जनक माने जाते हैं। विश्वकर्मा जी आप सभी के ज्ञान में वृद्धि करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6-in-1 मल्टीपर्पज़ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के बारे में बताऊंगा। मैंने इसे दो भागों में बनाया है, दो पार्ट में बनाया है। पार्ट वन यानी इस वीडियो में मैं आपको इसकी सहायता से बिना करंट लगे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट स्टार्टर और फ्लोरोसेंट का जो चोक होता है चोक और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट रॉड और कैपेसिटर ये चेक करना आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये एक मल्टीपर्पज सीरीज टेस्टिंग बोर्ड मैंने बनाया है। इसमें एक मेन स्विच है, यहाँ ऊपर मैंने मेन स्विच लगाया है। इस पर मेन स्विच अपन ऑन करते हैं तो ये इंडिकेशन जलता है। और एक मैंने टू वे स्विच लगाया है। टू वे स्विच में वन साइड जो है सीरीज वन होती है और दूसरी तरफ सीरीज टू होती है। जो यहाँ पे सीरीज लगी है इसका भी एक सेपरेट स्विच मैंने दिया है। एक मैंने पावर के लिए अलग से लगाया है। अगर मान लो आपको कोई सोल्डिंग आयरन या कोई फैन या कोई इक्विपमेंट लगाना है तो ये पावर में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और एक मैंने डिमर लगाया है जिसका उपयोग मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मैंने एक ही कंटिन्यूटी टेस्टर भी इसमें फिट कर दिया है जिससे अपन किसी वायर की या किसी भी इक्विपमेंट की कंटिन्यूटी अगर अपन को चेक करना हो तो कंटिन्यूटी पर चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपन इसको अपन कैसे यूज़ में लाते हैं। दोस्तों, मेन स्विच ऑन किया, इंडिकेशन जल गया। इसके बाद मैंने सीरीज वन में किया है। अब अपन सबसे पहले फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट पे जो स्टार्टर लगे होते हैं उनको अपन चेक करते हैं। तो ये मैंने स्टार्टर लिया है। स्टार्टर आप देखिए, ट्यूबलाइट का जो स्टार्टर होता है इसको अपन इस तरीके से इसमें लगा देते हैं। तो लगाने के बाद दोस्तों ये फ्लैकरिंग हो रही है। फ्लैकरिंग का मतलब ये हुआ है कि ये स्टार्टर जो है बिल्कुल ठीक है और ये ट्यूबलाइट को जला देगा, इसलिए इसको सही माना जाता है। दोस्तों, दूसरा स्टार्टर अपन उठाते हैं, ये देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों, ये फ्लैकरिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया है। तो ये ट्यूबलाइट को नहीं उठाएगा और ये अपनी किसी भी काम का नहीं। इसके बाद उस अपन क्या करते हैं दोस्तों, ट्यूबलाइट लेते हैं, जो रॉड आती है उसको अपन चेक करते हैं। इसके दोनों पॉइंट को अपन किस तरीके से चेक करेंगे दोस्तों, जैसे ये पॉइंट है उसको अपन यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, ये फ्लैकरिंग तो नहीं हो रही लेकिन ये जो ग्लो हो रही है इसका मतलब ये रॉड का ये वाला सिरा ठीक है। अब दूसरा सिरा अपन देखते हैं। दूसरा सिरा अपन ने देखा तो ये भी ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रॉड बिल्कुल सही है। अब अपन दूसरी रॉड को देखते हैं, दूसरी रॉड को चेक करके देखते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका फ्लाईमेट जो है वो उड़ चुका है। इसका दूसरा पार्ट अपन देखते हैं, दूसरा सिरा अपन देखते हैं। दोस्तों, ये भी कुछ इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ट्यूबलाइट पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं फ्लोरोसेंट का चोक। चोक के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, ये इसको टू वे स्विच को अपन सीरीज दो की तरफ कर देंगे और ये सीरीज दो में मैंने ये लगा के रखा है। इसके बाद अपन उसका स्विच ऑन करेंगे, ये सीरीज आपकी ग्लो हो रही है। इसके बाद अपन इसको चोक में लगा के देखेंगे। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन समझ में आया है, ये स्टार्ट में शॉर्ट करने में सीरीज में और ये चोक में लगाने पे रेजिस्टेंस इसका होने के कारण ये बल्ब बहुत डिम हो गया है, इसका मतलब ये चोक सही है। अब दोस्तों होता क्या है, चोक जो है जनरली 200 वाट के बल्ब पे ही चेक करना चाहिए,
क्योंकि 200 वाट का बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस लगभग 24 ओम होता है, और जो 60 वाट का बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस 67.4 ओम होता है। तो हमको अधिकतर रूप से जो चेक करते हैं वो 200 वाट पे ही चेक करना चाहिए। अब मैं आपको एक 60 वाट का बल्ब लगा के बताता हूँ कि जो चेक करने में क्या फ़र्क आता है। इसलिए अपन बंद कर देते हैं और ये 200 वाट का बल्ब अपन निकाल देते हैं और इसकी जगह अपन 60 वाट का एक बल्ब लगा देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसको अपन चालू कर देते हैं सीरीज को, और ये 60 वाट का मैंने बल्ब लगाया है। अब इससे अपन चौक चेक करते हैं तो देखिए आपको ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा से कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि ये चौक सही है या नहीं है। इसलिए दोस्तों कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल वाले काम करने वाले लोग हैं जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो अगर चेक करें तो 200 वाट के बल्ब पे चेक करें तो ज़्यादा उनको अच्छा रहेगा और फौरन उसका पता चल जाएगा कि ये चौक ख़राब है या ठीक है। अब दोस्तों अब अपन कैपेसिटर जो है वो चेक करते हैं। इसको दोस्तों फिर अपन एक नंबर सीरीज पे कर देते हैं और यहाँ पे अपन देखते हैं ये बल्ब अपन निकाल देते हैं और इसकी जगह 200 वाट का बल्ब लगा देते हैं और अपन एक नंबर सीरीज में करके कुछ चेक करते हैं। चेक करिए, इसका मतलब ये कैपेसिटर ठीक है। तो दोस्तों ये सीरीज बोर्ड में मल्टीपर्पज़ सीरीज बोर्ड में जो है कि मतलब अपना करंट लगने का कोई भी डर नहीं रहता है। रॉड स्टार्टर आप आराम से चेक कर सकते हैं इसमें, इसमें कोई क्योंकि क्या होता है दोस्तों इससे अपन सीरीज में सीरीज ये भी है तो सीरीज अपन चेक करते हैं तो इसमें कभी हाथ लगने का डर रहता है, कहीं कुछ कहीं लोहे के पीस में लग जाए तो करंट फैल सकता है। इसलिए इसको अपन इस तरीके से मल्टीपर्पज़ सीरीज बोर्ड बनाया है तो ये काम की चीज़ आपके हो सकती है। अब देखते हैं दोस्तों मैंने इसमें एक कंटिन्यूटी टेस्टर भी बनाया है जिसमें अपन ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, ये अपन इसका स्विच ऑन किया, ये कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए अब जैसे देखते हैं इसमें ये बनाया है, ये प्लग में वायर लगाया है, इसके तार की अपन कंटिन्यूटी इसमें चेक कर लेते हैं। ये तार है ये कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एक बार मैंने इसमें लगाया ब्लैक में और इसके कंटिन्यूटी का दूसरा तार अपन ने इसे चेक किया, दोस्तों ये नहीं बता रहा। अपन लाल वायर चेक करते हैं, ये भी नहीं बता रहा। इसका मतलब आपका कहीं पे जो ये जो वायर है वो तो कहीं ब्रेक है। एक बार और चेक करते हैं, लाल वायर चेक करते हैं, लाल वायर आपको बता रहा है, इसका मतलब लाल वायर ये प्लग में अच्छी तरीके से लगा हुआ है। और अब अपन इसको काले वायर को चेक करते हैं, काला वायर नहीं बता रहा है दोनों पॉइंटों पे, इसका मतलब ये वायर काला वाला कहीं से ब्रेक है। दोस्तों देख लेते हैं इसको, ये वायर ब्रेक है या और कुछ इसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये वायर यहाँ से निकला हुआ था, इसकी वजह से ये काला वायर जो है ओपन बता रहा था, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। इस तरीके से अपन कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। इस मल्टीपर्पज़ बोर्ड का सीरीज बोर्ड का एक काम और अपन किया जा सकता है इसका, जैसे ये जो आपने इसको सीरीज नंबर 1 में किया, ये जो शार्ट वाला स्टार्टर था उसको आपने लगाया और आपको लग रहा है कि ये लाइट कुछ ज़्यादा है यहाँ काम नहीं कर सकते तो इसको आप डिमर के थ्रू कम कर लीजिए। देखिए दोस्तों डिमर के थ्रू आप कर सकते हैं, कुछ काम भी कर सकते हैं, आपको लाइट आँखों में नहीं लगेगी। तो इस तरीके से इसकी जो रोशनी है उसको अपन बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और एक पैरेलल इसमें स्विच लगाया ही है, पैरेलल स्विच के में आप कोई भी सोल्डिंग आयरन से काम करना हो या आपको गर्मी लग रही हो पंखा लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज़ ये बोर्ड है जिसमें आपको करंट भी नहीं लगेगा और आप चाहें तो इसको
और भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले पार्ट में मैं इस बोर्ड को बनाना ड्राइंग सहित आपको बताऊंगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।